अमेठी में पुलिस से डरा धमकाकर मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया। चुनाव आयोग भले ही निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहा हो, लेकिन आज भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग चुनाव में किया जा रहा है, इसलिए निष्पक्ष चुनाव से आम नागरिकों का भरोसा उठता जा रहा है। आए दिन राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आम मतदाता चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। आज अमेठी के नागरिकों ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से आप बीती बताई कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत पुलिस से डरा धमका कर उन्हें वोट नहीं डालने दिया और चुनाव के दिन उनके साथ मारपीट की गई। यह आप समय देखिए और हमें कमेंट्स कर बताइए, क्या वोट के लिए मतदाताओं को डराना धमकाना सही है? देश के मतदाताओं का निर्णय तो 23 मई को पता चलेगा। सुनिए अमेठी के मतदाताओं की कहानी उन्हीं की जुबानी। उस दिन वोट नहीं देना हो गया है, जो है वहाँ से बाहर लोगों को दबा दिया गया, लोगों को उतनी लड़की आ रही है, सब लेडीज जेंट्स सब लौट आए हैं। वोट नहीं देने दिया आपको? जी जी जी। और फिर आपकी कंप्लेंट नहीं लिखवाई? नहीं नहीं। आपके किसने तोड़े? वो गाड़ी मोटरसाइकिल महिला पुलिस भी आई थी, तोड़ दिया घर का, घर में घुसे घर वाले वोट देने जा रहे हैं। निष्पक्ष कैसे होगा? निष्पक्ष कैसे हुआ ये जांच फिर निष्पक्ष कैसे हुई जब यहाँ के सब लोग हमारे लोगों की सुनी नहीं, कुछ कही सुनी नहीं। तो नंबर डायल कर दिया, फोन नहीं किया, दौड़ रहे मैडम अभी सुल्तानपुर में। क्या है हम ऐसे करते हैं, ये बंदे हम तो पिकअप कर लेंगे एफआईआर वगैरह। कागज मेरे पास में हर जगह फैक्स भेजा था, आज तक मेरी सुनवाई नहीं, मतलब हर जगह मैंने पूरा कागज रखा, वही लोग मारे थे। और कल भी जो है मैं दवा के लिए उस दिन इलेक्शन के लिए जा रहा था, मुझे भी रास्ते इनको भी हाथ बाई हैंड दिया गया था सुल्तानपुर, एसपी के हाथ पेश किए थे तो एसपी साहब ने इनको दिया था कि जाके देख लो। हमें तो हमें इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करना पड़ेगा, जो अफसरों ने ये सब यहाँ पे तोड़फोड़ किया है, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इनका एफआईआर, सब कुछ नामा नोट कर लो। और पूरी तरह से एक एक निवेदन और मुन्ना सिंह टिंडी यहाँ पे कांग्रेस के नेता हैं, जो वोट नहीं डालने दिया आप बोलो। हाँ वो दिन भर वो भी बूथ पे नहीं दिखाई, कितना सारा वो लोग छीन छीन कर फाड़ दिए, मेरे बेटे को मारे, मुझे एक आदमी बात करो, एक एक आदमी
पोलिंग के दिन वही अगले दिन चाचा के दुकान नहीं रहे और वो लोग जो उठाए 5000 दबाव में लिखवा दिए कि लड़के लूलू की 40000 पता नहीं कहां से किसी से पैसे दिखा रहे हैं। अरे कितना आदमी को ऐसे ही पड़ गया, किसी पर वोट का भाई जी नहीं रहता है, वहां पे कोई गया नहीं, चलो का भाई मत लूट रहा है, अरे गए तो धमकी दे रहे थे अपने बेटे को बुलाइए। अरे भाई माँ लड़की देख गए हो गए ओके लगता है बहन को तुम्हारा हो फिर हम चले जाएंगे तो फिर से धमकाएंगे। मेरे गांव का कोई भी आदमी रोड पे नहीं जा सकता, सुरक्षित है ये नहीं मुन्ना सिंह वाली बात मुन्ना सिंह अध्यक्ष दिन भर फिक्र तब दो चार लोग गए इनको लेके घर पे आए मैडम, घर के बच्चे स्कूल नहीं जाने पा रहे आज दो दिन से स्कूल नहीं जा रहे। करीब 5-7 सोचो एक आदमी को 10 आदमी मैडम की जैसा करें वैसे करें मैडम, यही की औकात नहीं की एफ आई आर भी लिखा थाने पे जाने की औकात नहीं। अरे मनीष सिंह खुद हमारी लड़की से नहीं वोट होता है, वो लेना छोड़ के भाग जाओ यहाँ से, हमारा वोट मनीष सिंह मेरी लड़की गाली दे रही है, लड़की पटा के चेचारा कहीं भाग गए तुमको वोट नहीं देना है, बातचीत देता है उसके पास महिलाओं को जो भी जाता है हमारे पास पुलिस पुलिस बगल हमारा वोट नहीं क्या नहीं स्कूल प्राइमरी एक चाहिए यहाँ पे मैडम एक और रिपोर्ट हमारे लोग ठंडी से किसी तरीके से हमारा बहुत अलग नहीं तो हर सीजन में से होता है व्यवस्था बनाया जाए। हम लोग पुराने काम में से हमारे गाड़ी देख लीजिए आप लोग वहाँ से तोड़ फोड़ के गाड़ियाँ क्योंकि आपके लिए बहुत दिनों से अरे अरे जाओ बैठ जाओ पानी पानी बहुत दिन से हमने बात करो आज आप रिमोट बोल दिया मैंने बोला मैंने भी बोल दिया माइक थोड़ा आइए ना आवाज आनी चाहिए मुँह को मतलब आइए सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है।